काम बहुत ज्यादा लगने लग जाता है तो मैं जाके पोएट्री पढ़ लेती हूँ, और जब मुझे पोएट्री बहुत ऐसे लगने लग जाता है कि यार तब मैं जाके काम कर लेती हूँ. Before being a poet, before being a storyteller, I think I'm a learner first. And it made me grow also as a performer. पर आर्ट में बहुत humility है यार. Poetry that I wrote, the reason was there was a competition in a school in 8th standard, स्वर रचित कविता सम्मेलन. और मुझे poetry सुनाना बहुत पसंद है. नहीं 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 नहीं, चीजी बनाइए, चीजी बनाइए, जैसे यंग नए बच्चों को पसंद है. When I was small, पता नहीं कहाँ से बीच में एक बार ऐसे कुछ जरूर चढ़ गया था कि जिस पोएट की पोएट्री पढ़ो ना उसी अंदाज में लिखना है. अच्छा. सो आज के एपिसोड की सबसे अच्छी बात और खास बात मुझे ये लगी कि जितने भी लोग यहाँ पे है ना, सब वर्किंग है. सब वर्किंग है. यस. तो आप जॉब के बाद यहाँ पे हो, आप अपने कंसल्टेशन के बाद यहाँ पे हो, ठीक है. ही इज आल्सो वर्किंग विद हिज लैपटॉप राइट नाउ. और ये भी अपने जॉब खत्म करके यहाँ पे आए, मैं भी अपना जॉब खत्म करके. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लव फॉर आर्ट. यप. इट्स नॉट जस्ट. हां. यस. दैट डिस्पाइट एवरीथिंग, ऑल हर्डल्स, चाहे कुछ भी आ जाए, वी टेक आउट टाइम. तो वही मेरा पहला सवाल था आप लोगों से. ओके. कि कैसे मैनेज करते हो आप, स्पेशली विद यू. मतलब मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ पोएट्री सर्किट में, सारे लोग, हम लोग ऐसे हैं कि या तो जॉब कर रहे हैं या तो पोएट्री कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं. बट यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपके पास और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली, किड्स. तो लाइक अब हम बहाने बनाते हैं कि लाइक बहाने क्या कह लो, या कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं कि यार जॉब भी है तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं, या तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा या तो ये करना पड़ेगा. तो एक एक्सक्यूज कह लो या कुछ भी है, या मेहनत और ना करने के लिए एक एक्सक्यूज ही है काइंड ऑफ. या हो सकता है कि सच में कुछ लोग सिर्फ आर्ट में ही उनका मन लगता हो और जॉब कर ही नहीं सकते वो, मतलब उस पे टाइम. वैसे भी लोग हैं, जब वैसे लोग हैं जिनको ना सिर्फ आर्ट करना है और कुछ नहीं करना है, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स एब्सोल्युटली, इनफैक्ट इट्स बेटर. मगर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दोनों करना है, उनका क्या होगा. तो फॉर दोज पीपल जिन्हें दोनों नहीं और तीन चार चीजें और करनी है, सब कुछ करना है. हाँ. कुछ नहीं छोड़ना है, एक ही जिंदगी है इंसिडेंटली. yep. और वी कांट लाइक लेट इट गो लाइक दैट, एट लीस्ट नॉट मी. सब करना है, सारी बकवास करनी है. सो दैट्स वेयर द थिंग कम्स कि आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है फिर. सी आई लर्नड इट द वेरी हार्ड वे. शुरुआत में लोगों की बहुत सुनी, और जब तक सुनते रहे तब तक बहुत दुविधा में भी रहे. फिर जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव, कुछ कुछ चीजें हुई, और फिर समझ में आ गया केयर टू हूज अबाउट व्हाट अदर्स से. भाड़ में जाओ, सब वही करना है जो खुद को लगे कि अच्छा है, सच्चा है, छोटा है, जैसा है, मेरा है और बड़ा सुंदर. फिर किसी को बस परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को उसे हार्म नहीं होना चाहिए. एज लॉन्ग एज दैट इज देयर, आई एम गुड टू गो विथ एवरीथिंग, एंड आई वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग. बिफोर बींग अ राइटर, बिफोर बींग अ पोएट, बिफोर बींग अ स्टोरी टेलर, आई थिंक आई एम अ लर्नर फर्स्ट. तो सीखना तो है ना, और एक जिंदगी इतनी सारी चीजों को सीखने के लिए एज इट इज कम है, तो कुछ तो करना पड़ेगा. So you are doing this art thing to learn, na, more of it. Yes, also for the delight of it. क्योंकि अजीब तरह ना, जब तक रसगुल्ला चखेंगे नहीं तो स्वाद पता कैसे चलेगा. तो तरह तरह की मिठाई चखनी पड़ेगी. तो आज मैं कुछ मिठाइयाँ ऑर्डर कर दूँ. पल्लवी आप बताओ, लाइक यू आर ऑल्सो डूइंग योर डेंटिस्ट एंड ऑल, वो भी चल रहा है आपका, उसके साथ पोइट्री, फिर अभी आप थिएटर में भी आ गए हो. वही वाली चीज है, एक ही जिंदगी है. तो आई थिंक वो ना, आर्ट इज अ स्पेस, रतन, व्हाट आई फील इज आर्ट इज अ स्पेस, इट्स सो कनेक्टेड कि आप एक चीज में घुस जाओ ना, आपको दूसरी अट्रैक्ट करती करती है. फॉर एग्जांपल, इफ यू स्टार्ट राइटिंग, आपका मन करता है अच्छा डायरेक्शन क्यों नहीं, मतलब मैं तो इमेजिन भी कर पा रही हूँ ना चीजों को. अब आप उसमें घुस जाओ तो आपको लगता है अरे यार, मतलब मैं परफॉर्म कर लेती हूँ तो एक्टिंग क्यों नहीं. जब आप वो करने लग जाते हो आपको लगता है यार काश मेरे पास सुर की तालीम मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं गा भी लूं अपना लिखा हुआ. तो इट्स लाइक इट कीप्स यू, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. पता है, इट डजंट डिमांड एनीथिंग, इट जस्ट डिमांड्स योर प्योरिटी, कि आप कितने डेडिकेशन के साथ उसको कर रहे हो. और आपके मन में भी इतना कुछ नहीं होता उसको लेके. एटलीस्ट व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, इट वाज नॉट कि हमें इसको अपना करियर बनाना है. मतलब 8th स्टैंडर्ड में, इफ आई स्टार्टेड राइटिंग, आई थिंक सब लोगों का तब से शुरू होता है. तो व्हेन वी स्टार्ट परस्यूइंग आर्ट, हमारा मन कभी ये नहीं होता है कि इससे मुझे ये मिलेगा, इससे मुझे वो मिलेगा. इट्स जस्ट बिकॉज वी लव इट. और वही चीज़ अगर रहती है लाइफ में, एंड वही चीज़ रहती है विच यू नो टेक्स यू फ्रॉ टू अदर लेवल्स ऑल्सो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँगी कि मैंने थिएटर एक बार किया एंड आई फेल इन लव विद इट, दैट ऑल दोज थिंग्स यू नो, एंड इट मेड मी ग्रो ऑल्सो एज अ परफॉर्मर. तो वो फिर एक होता है वही वाली चीज़, जैसे कहना सेट लर्नर.
आप एक चीज में जाते हो, आप कुछ नया सीखते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरी चीज करते हो, फिर आप उसमें कुछ नया सीखते हो, आप उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तीसरी चीज करते हो, और आपको पता ही नहीं चलता आप ये कब आपको यू नो इट जस्ट इम्बाइब्स यू। मुझे इससे बहुत अच्छी चीज ये समझ में आई कि यू आर समवेयर एंजॉइंग द जर्नी ना, कि वो आपको वो चीज नहीं है कि लाइक कि एक वीडियो वायरल हो जाए फॉर मतलब आई थिंक दैट वो आज के एरा में होने लग गया है, तो कभी कभी मैं ये नहीं बोलूंगी वो थॉट नहीं आती, ऑब्वियसली आती है, वी आर ह्यूमन राइट, वी नीड इट, वो आपको एक वैलिडेशन चाहिए होता है, बट पॉइंट ये होता है कि आर्ट इज सो मच अबव दैट वैलिडेशन, मतलब इट गिव्स यू सो मच, मतलब दैट्स नॉट द प्रायोरिटी, दैट इज दैट शुड नॉट बी द प्रायोरिटी, एंड दैट इज दैट डेफिनेटली टेंड्स टू एक रोड ब्लॉक का काम करती है, और कभी कभी एक इंस्पिरेशन का भी काम करती है कि आप ये करो वो करो, but then again the motive behind art is just you do it because you love it. See, hum to jis vidha se aate hain, like I come from theater, both me and my husband we belong to theater fraternity, I am from English theater, he's from Hindi rangmanch, to humne shuruaat hi wahan se ki thi. Theater mein ek badi pyari si cheez hame sikhai jati hai ki ek jigsaw puzzle imagine karo bahut bada sa jisme bahut sare pieces hote hain and all the pieces come together to fit and make the puzzle complete, you may be that smallest, tiniest piece in the puzzle. Yet, the puzzle is not complete without you. That is so humne aise aise kaam kiye hain ki hum peeche baith ke na bas hum unko prompt kar rahe hain. Ya humne chota sa tiniest wala role hame mila hai. Aur फिर भी हम उस तरह तरीके से लगे हुए हैं, सुबह से शाम लगे हुए हैं, चाय और समोसे पर दिन कट रहे हैं, पर मजा आ रहा है, सीख रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो समझ में आता है आर्ट कितना वैल्यूएबल है यार. ये वायरल होना या फिर यू नो आर्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग आर्ट, वो एक बिल्कुल अलग चीज है, पर आर्ट में बहुत ह्यूमिलिटी है यार. वो आपको इंसान बना देता है, अपने आप से मिलवा देता है, वो इम्पोर्टेंट है, उस गहराई तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है, और थैंकफुली थिएटर ने बड़ी जल्दी ये चीज सिखा दिया. तो उस हसल में पड़े नहीं कभी हम, मेरे लिए एक बहुत सेवियर था और आज भी. एक्चुअली अगर आपको इस चीज स्टार्टिंग में पता चल जाए, आई थिंक आपके जर्नी के अब जर्नी जिसे आप मानते भी नहीं हो, अगर आपको ये चीज लाइफ में जल्दी पता चल जाए ना, इट सेव्स यू फ्रॉम सो मेनी थिंग्स. बिकॉज व्हेन आई वेंट टू थिएटर, मतलब मैंने जब ये थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, एक चीज मैंने भी यही सीखी कि यार हम लोग आते हैं, मतलब दिस इज वेरी मतलब सिंस यू आर फ्रॉम थिएटर यू हैव डन यू विल नो, हम आते हैं परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं, यू नो राइट, दोस पीपल सिट, दे सिट, अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं भी है ना, दे विल सिट. They'll sit for hours and hours and hours performance देखने to see, and that is something that I learned from them. कि मतलब भाई तुम नहीं भी perform कर रहे हो ना, but exactly. it teaches you so many things. अगर आप बस बैठ के देखते हो, if you are present and you are seeing and you are listening, you learn so many things rather than just coming and performing. तो ये चीज अगर observation, I think वहाँ पे observation से भी ज़्यादा, जैसे पल्लवी ने भी आप ही बोला ना, आप ज़िंदगी सीखने लगते हैं. कैसे? I'll tell you. एक चीज तो हो गई, आपने अच्छा काम किया, बड़ी तालियां मिली, बहुत नाम हो गया, पैसा भी मिल गया, आप फेमस भी हो गए, वन थिंग, बट देन यू लर्न डिसिप्लिन, टाइम को कैसे वैल्यू करते हैं. सिंपली अगर 10 लोग हैं तो पहले चाहे 9 को ऑफर होगी, 10वें आप होंगे एक्सेप्ट करने वाले. पेशेंस, ये सब जो जिंदगी की है ना, लाइफ स्किल्स है, ये आपको आर्ट सिखा देता है. लेकिन आप तभी सीखेगा, कहते हैं ना दान भी पात्र देख के मिलता है. आप ऐसे करके दान नहीं लेते, आप ऐसे ही लेंगे. So you have to begin with humility and kindness. Otherwise, I think कहीं ना कहीं आर्ट खो जाता है. मतलब वो पता नहीं किस चीज में खो जाता है, but it is not that innocence. मतलब innocence चली जाती है आर्ट में से, जो प्योरिटी होती है, it vanishes away because but you are... I think कि जैसे कि there are many artists जिनको who are striving to do कि कैसे भी करके मुझे आर्ट से एक revenue generate हो जाए. So that I can switch to that part because I like doing that. Yes. So, मतलब आपको क्या लगता है कि अपना experience, आपको क्या लगता है कि do you think कि at some point you want to switch to the art only और बाकी चीजें आप चाहते हो कि वो आप उस पे time ना दो इतना और पूरा time art पे दो? Do you think so? So basically ठीक है, I'll tell you. इसमें मैं थोड़ी selfish हो जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत वक्त से आदत है कि मैं खुद कमाऊं और खुद खर्चा करूं. तो मैं वो इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ कि आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग एंड आई हैव टू स्पेंड. मतलब समझ रहे हो? तो मुझे वो इंडिपेंडेंट वाली जो फीलिंग है ना, वो मुझे छोड़ने नहीं देती मेरे काम को. ए बी
आई लव बीइंग कॉल्ड अ डॉक्टर. मुझे जो रिस्पेक्ट उसमें मिलती है, आई थिंक रतन वी वेंट टू एन इवेंट जब हम साथ में गए थे और रिमेंबर उस टाइम एक्चुअली क्या हुआ था, वी वर ग्रुप ऑफ 4-5 पीपल, वी वर इनवाइटेड फॉर एन इवेंट. ओके, तो हम गए और वो ऐसे बात कर रहे हैं कि हाँ आर्टिस्ट लोग खड़े हैं. आप बोल कैसे रहे हो, तमीज नहीं, हमारा एक नाम है. सो दैट इज समथिंग दैट आई फील, मैंने तब भी आपसे एक बार जब बात की थी, मैंने दैट इज व्हाट आई फील, मतलब वो चीज मुझे लगती है कि आर्ट स्पेस में होनी चाहिए और रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट होनी चाहिए. सो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं बीइंग अ डेंटिस्ट बहुत मिलती है, मतलब बीइंग अ डॉक्टर मिलती है. प्लस आई लव डूइंग रूट कैनाल्स, मतलब उसमें मैं दर्द ठीक करती हूँ ना, हेट गोइंग थ्रू रूट कैनाल्स, आई लव रिलीविंग पेन फॉर पेशेंट्स. सो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से आई विल से कि मैं नहीं छोड़ना चाहती. बट अगेन समबडी आस्क्ड मी रिसेंटली, अगर आपका लास्ट दिन हो दुनिया में और आपको दो ऑप्शन दिए जाए, आपको किसी का रूट कैनाल करना है या आपको स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, चूज स्टेज पे जाके परफॉर्म करना. सो दैट इज वेयर वी ऑल वांट टू बी, बट देन अगेन इट्स जस्ट, इट इज बैलेंसिंग मी, इट इज कीपिंग मी ग्राउंडेड, इट इज बैलेंसिंग मी. एंड जहाँ ये मेरा वो है, अगर मेरे को काम बहुत ज्यादा लगने लग जाता है तो मैं जाके पोएट्री पढ़ लेती हूँ, और जब मुझे पोएट्री बहुत ऐसे लगने लग जाता है कि यार, तब मैं जाके काम कर लेती हूँ. मतलब इट्स लाइक वही है कि एक चीज से जब आपको लगा कि यार और कुछ भी होना चाहिए लाइफ में, देन यू स्विच टू द अदर पार्ट, व्हिच आई थिंक आई एम ट्राइंग टू, आई एम स्टिल ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द थिंग्स. आई थिंक सब वही कर रहे हैं, आई थिंक वो बैलेंस अगर मिल जाए और वो चलता रहे तो आई थिंक फिर तो लाइफ सॉर्टेड है, फिर तो बैलेंस मेंटेन. आई एम आल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, तो रियली आई डिड नॉट नो दैट. ये कब मिला, दिस वाज एक्सक्लूसिव फॉर दिस पॉडकास्ट ओनली. ये तो अलग से बने, लाइक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट. वाओ, आई डिड कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड एचआर. नाउ आई कैन रिलेट, कहां से कुछ-कुछ पोएट्रीज के टॉपिक्स आते हैं. यस, तो कोई भी चीज को ना उस सिचुएशन से बाहर निकल के देखना, ये है मेरे में. आई थिंक आई हैव इम्बाइब्ड ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स. सो व्हेन आई लुक एट इट, आई थिंक लेट्स नॉट जनरलाइज, देयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल. ट्रू, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है आर्ट क्रिएट करना, उसी से रेवेन्यू जनरेट करना और उसी को अपना करियर बनाना. दैट इज वन कैटेगरी, वो अलग है. दूसरी कैटेगरी ना उससे ऊपर है ना उससे नीचे है, वो अलग है, डिफरेंट. प्रोबेबली वी बिलोंग टू द सेट ऑफ कैटेगरी, जैसे पल्लवी ने बोला, जिसमें हमें सब एक साथ करना अच्छा लगता है. ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बड़ा फोकस्ड रहना ही अच्छा लगता है. सो टू ईच हिज ओन. हैविंग सेड दैट, एक बड़ा एडवांटेज है मेरा पल्लवी के साथ में, बिकॉज वी हैव यू नो अ फुल टाइम जॉब इन हैंड जहां से हमारी रेवेन्यू आती है. हम आर्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं हम बड़े आराम से कह सकते हैं सॉरी वी डोंट टू डू दिस. हाँ, इससे क्या होता है कि हमारा अट्रैक्शन कम हो जाता है, डेफिनेटली, या हमें नहीं मिलते हैं उस तरह के लोग, उस तरह का ऑडियंस नहीं मिलता है. एंड वी अंडरस्टैंड दैट, वी अंडरस्टैंड दैट एंड वी अप्रिशिएट दैट, वी रिस्पेक्ट इट. बट द थिंग इज कि अपने वैल्यूज के साथ में या उस आर्ट के साथ में, द वे आई सी इट, राइट, आई विल रादर राइट refuse and step back just for the fact that I will not be able to do justice to it. Not that that thing is some, you know, that's not my cup of tea. As simple as that. मतलब हाँ, maybe. वो किसी और के लिए बना है, वो दूसरा उसको बड़े अच्छे से निभाएगा, बहुत अच्छे से पूरा करेगा, शायद हम नहीं निभा पाएंगे. I think, इसलिए हमें छोड़ दो. Sorry to cut you, but मुझे लगता है कि वो boundaries, I recently learned this, कि वो boundaries आपके mind में set होना, clarity होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हाँ या ना मैं जवाब दे पाऊँ. अगर मुझे नहीं पता है कि लाइक मुझे जॉब अभी छोड़, जैसे आई एवरी नाउ एंड देन आई फॉल इनटू द ट्रैप कि मुझे आर्ट करना है या ये करना है, बट मैं कहीं ना कहीं फिर मैं भी वहीं पे सेटल डाउन होता हूँ कि यार अभी दोनों करना है. लाइक आई कैन नॉट क्विट दिस बिकॉज इफ आई हैव टू रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट आई हैव टू मेंटेन अ क्वालिटी. तो उसके लिए यू सेड कि वो इंडिपेंडेंट, वो अगर वो आपको वेन्यू चाहिए, स्पेस चाहिए, माइक चाहिए, तो आप वो ना खाली पेट ना होए गोपाला, वो जो बोलते पता नहीं ऐसे ही कुछ है. हाँ, तो वो कैसे कर सकते हैं मैनेज, वो नहीं हो सकता. तो यू सेड इट राइट कि वो कैटेगरीज हैं, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग हैं. लाइक जल्दी अपने आप को समझ जाए ना, अपने साथ आप जस्टिस. एग्जैक्टली, वो पता होना कि आपको क्या चाहिए. एंड लाइक वो मतलब इट्स क्वाइट इनसाइटफुल कि हाँ, आपको अपने बारे में पता होना ज्यादा जरूरी है. अगर हम कुछ आर्ट क्रिएट करें, एक बार स्मिता पाटिल का एक इंटरव्यू हमने सुना था जिसमें उन्होंने बोला था कि एक आज रपट जाए हमें ना उठाइयो, ऐसे कुछ सॉन्ग पे अमिताभ के साथ उन्हें कोरियोग्राफ किया था. दैट डे शी परफॉर्म्ड, दैट सॉन्ग वेंट वायरल इन दोज डेज, इट वाज अ सुपर हिट सॉन्ग. बट देन शी, आई हैव रेड इट समवेयर कि वो घर आके बहुत रोई थी. ओह,
कि मुझे नहीं पता मैं आज क्या कर गई, ऐसा नहीं है जो किया वो गलत था या बुरा था, ये मैं नहीं थी, ये मैं नहीं थी, ऐसा बहुत बार अब वो होता है ना कि आपने कुछ कर दिया फॉर द सेक ऑफ डूइंग एंड देन यू गो बैक एंड यू फील सैड अबाउट इट और गिल्टी अबाउट इट. सॉरी, आर्ट इज टू मेक यू, टू गिव यू पीस, राइट? फिर फायदा क्या? मतलब जैसे द केना सेड अ वेरी राइट थिंग कि वी कैन पुट, मतलब आई एंड कैन, आई थिंक वी बोथ कैन पुट अ फुट डाउन अगर हमारा मन नहीं है, मन नहीं है तो, या अगर हम वी आर, वी डोंट सी आवरसेल्व्स डूइंग दैट थिंग, वी आर, वी विल बी लाइक नहीं हमें नहीं करना, आई एम सॉरी, मतलब इट्स लाइक दैट. तो वो चीज हो जाती है, प्रीटी रियल. सो आई गॉट अ ब्रांड एक बार, किसी का आया मेरे पास, आई नॉट पुट एनीथिंग, उन्होंने बोला कि लव पोएट्री लिखनी है. तो हमने भाई थोड़ा मोड़ा जो आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता, जितना आता है उतना लिख करके सुनाने की कोशिश की. नहीं 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 नहीं, चीजी बनाइए, जूसी बनाइए, जैसे यंग नए बच्चों को पसंद है. और स्टिल आई कुडंट डू इट. देन वन ऑफ माय को आर्टिस्ट, आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू हर, शी सजेस्टेड कि केना आप एक काम करो, बैठो यहाँ पे, मैं बैठो, मैं आपको ना 5 मिनट दे रही हूँ, लिख डालो फटाफट, राइम करता हुआ है वो. मतलब कितनी लिख डालो, तो आई जल्दी जल्दी ऐसे लिख के दिया. And the brand said, excellent, क्या काम किया है, हमारी favorite चीज लिख दी आपने. मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा उसको, जब वो रिकॉर्ड होके गया तो उसको देखने की भी, सुनने की भी, और वो उठा करके यूं डस्टबिन में गया, because that was not me. I did it because I wanted to try something new which had come my way, and I realized, sorry. But like here comes the next question in my mind ki. डू यू थिंक कि कहीं पे आपकी लाइफ में, मतलब ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम अपनी बात ही करेंगे, वी विल नॉट जनरलाइज दिस. तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा, मतलब वो स्टेज आया हो कि यार अभी आर्ट नहीं कर सकते, अभी लेट्स क्विट दिस, बिकॉज आई हैव लिसन टू दिस फ्रॉम मैनी फ्रेंड्स कि यार अब नहीं करना, नहीं हो रहा है, ना पैसे मिल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है. सो आई डोंट नो कि वो रीजन अपने अपने अलग हो सकते हैं, बट डिड यू फेस दिस? मेरे पास बहुत बार राइटर्स ब्लॉक आया है, जब हम कुछ लिख नहीं पाते और कुछ क्रिएट नहीं कर पाते या कुछ बोल नहीं पाते. बट एट द एंड ऑफ द डे, लाइक आई सेड, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई नो दैट आई एम मेकिंग इट अप. कहीं ना मेरे दिमाग की सड़ी हुई उपज है. और अपने आप को जितना समझा लो कि राइटर्स ब्लॉक है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्ली आई एम नॉट एबल टू मैनेज द सिचुएशन एट दैट मोमेंट, इसलिए वो निकल के आ रहा है. अदर देन दैट, नो. अबाउट यू? मेरे को लगता है कि वी डोंट चूज आर्ट, यार आर्ट चूजेस अस. तो अगर आपने, नहीं नहीं सीरियसली, इफ आर्ट हैज चूजन यू, हाउ कैन, मतलब आप उसे छोड़ ही नहीं सकते हो. मतलब आपको दुख में भी, अगर मेरे को वही होगा कि इफ आई एम अ राइटर, लाइक इफ आई राइट, तो मैं दुख में भी लिखूंगी. मतलब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इफ आई कैन नॉट वेंट इट आउट एनी वेयर, इट विल बी राइटिंग. मैं बहुत खुशी में भी कुछ ना कुछ पेन डाउन कर दूंगी, मैं गुस्से में भी, किसी पे गुस्सा आ रहा होगा तो मैं 3-4 लाइनें लिख के काट दूंगी. So that is my form of expression. और I never chose, मतलब मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि पोएट्री एक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ो और 10 नंबर लाओ. It never happened. It just came to me. तो मैं उसको भेज, मतलब it's so nice कि, मतलब I can see it from another angle कि जो, जैसे मैंने ये लाइन बहुत लोग को चिपकाई है कि मेरे दोस्तों ने बोला कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ रहा हूँ. मैंने कहा यार तुम छोड़ दोगे उसे, पर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा. तो जब तुम परेशान होगे तो इट विल कम टू यू एंड यू विल, क्योंकि वही तुम्हारा तरीका है, लाइक यू सेड कि वही तरीका है मेरा एक्सप्रेस करने का. तो अगर मैं उसको ऐसे देखूं कि ठीक है पैसे बनाना, उससे उसको प्रोफेशन बनाना, आप परफॉर्म करना छोड़ सकते हो, आप वीडियोस बनाना छोड़ सकते हो, आप लिखना कैसे छोड़ो, आप पोएट्री नहीं छोड़ सकते. स्पेशली अगर आप वहां नहीं लिख पा रहे हो तो आप अपनी पर्सनल डायरी में स्क्रिबल कर रहे हैं. अगर आप सिर्फ वीडियो बनाने को बोलते हो कि मैं आर्ट बना रहा हूँ, तो आप छोड़ दोगे. लेकिन अगर आप, वो अगर कोई वीडियोग्राफर है तो इसके, उसके लिए वो होगा, फिर वो वीडियोग्राफी नहीं छोड़ सकता. वो हो सकता है कैमरे से रिकॉर्ड ना करे, वो फोन से रिकॉर्ड करेगा, पर करेगा, लाइक यू सेड कि वो अपनी पर्सनल डायरी में लिख रहा होगा. बट इट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब कि अगर इसको हम वैसे देखें कि आपने पहली पोएट्री जब लिखी होगी तो परफॉर्म करने के लिए तो नहीं लिखी होगी. अरे क्या बात है, तो काफी पहले से परफॉर्मेंसेस मिलते हैं. दैट्स व्हाई शी इज पल्लवी. फर्स्ट पोएट्री दैट आई रोट, The reason was there was this competition in our school in 8th standard, Swar Rachit Kavita Sammelan. और मुझे poetry सुनाना बहुत पसंद था पढ़ पढ़ के. तो मैंने बोला मैं लिखती हूँ, तो मैंने लिखा, पता नहीं, बेनाम जिंदगी था उस पोएट्री का टाइटल. अरे वाह, बेनाम जिंदगी. आठवीं में, यार सोचो, मतलब लिटरली मेरे पास बच्चे आए मेरी क्लास के, पल्लवी कुछ हुआ है क्या? मैंने नहीं, तो नहीं नहीं बता दे कुछ हुआ है, तो मैं अंकल आंटी को नहीं बोलूंगा, मैंने मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ. तो मतलब इट केम सो नेचुरली टू मी. तो मतलब मैंने कभी
इसे होता है ना कि अच्छा अब मेरे को मतलब मैंने भी वो तब मैं ऐसे में आई स्टिल रिमेम्बर मैं बालकनी में बैठी थी घर की कुछ जिंदगी का कुछ पता नहीं मतलब तो वो ऐसी पोइम थी कि मैं पढ़ के हंस दूँ अगर मुझे याद होता तो मैं लेके आती व्हेन आई वाज स्मॉल पता नहीं कहाँ से बीच में एक बार ऐसे कुछ सुरूर चढ़ गया था कि जिस पोएट की पोइट्री पढ़ो ना उसी अंदाज में लिखना है फॉर अबाउट एन ईयर व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 9th या 10th ऑफ शेक्सपियर का अच्छा वाला अनअब्रिज्ड वर्जन पढ़ना शुरू किया था और तो आई रोट एटलीस्ट लाइक 5-6 पोएट्री बिल्कुल शेक्सपियरियन इंग्लिश में वाओ वाओ एक दोस्त में से यार है नहीं कुछ नहीं याद है थैंकफुली नहीं याद है प्लीज मत कराओ मैंने तो क्या लिखा था लहलहाते वृक्ष होंगे नृत्य करती होंगी नदियां और मैं उसको बोलती मैं माय गॉड 8th स्टैंडर्ड में मैं ये लिख रही थी तो एक बार उसकी उसकी कुछ और लाइन याद है लहलहाते वृक्ष होंगे नृत्य करती होंगी नदियां मुझे नहीं याद है मुझे सच पर सीनरी देख रहे हो आप मतलब क्लास 8th में ऐसी सीनरी की लहलहाते वृक्ष होंगे तो अब जब मैं खोलती हूँ ना मैंने वाह पल्लवी वाह तू तो तब ऐसा सोचा करती थी अब इसको बस थोड़ा करेक्ट कर ले क्योंकि कुछ भी लिखाऊ मैं बट यस नहीं काफी मतलब 8th स्टैंडर्ड यार मैं अभी भी सोच रहा हूँ 8th स्टैंडर्ड 8th से जर्नी स्टार्टेड आई स्टिल हैव अ बुक अब इसके बाद ना I'll share it with you. एक बुक है जिसके ऊपर मुझे वो बुक मिली थी as a prize because I won the competition. और वहाँ से मुझे पता चल गया था मुझे poetries लिखनी है. So I won the competition and तो मेरे को एक बुक मिली थी लोकप्रिय कहानियां और उस बुक के ऊपर मैंने लिखा है awarded to me in 8th C. I was in 8th C. ऐसे करके मैंने कुछ लिखा है. Still that book is there with me. So yeah, I was searching for that certificate also. I could not find it. सर्टिफिकेट तो लो आपने कब शुरू किया था लाइक आई हैव ऑलवेज बीन अ राइटर आई मीन आई यूज्ड टू राइट एसेज ओपिनियंस आर्टिकल्स शॉर्ट स्टोरीज अ लॉट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पोएट्री हम बहुत लिखते थे पर कभी किसी को नहीं दिखाई यू नो अनटिल फ्यू इयर्स अगो आई मीन देयर वाज दिस पोएट्री क्लब इन लखनऊ सिद्धार्थ डॉक्टर सिड वॉरियर नाउ ही इज फेमस और हम ऐसे सुनने चले गए थे और प्रियांक लिखते थे तो वो वहाँ पे परफॉर्म करते थे और तो हम बस सुनने के लिए गए एक या दो सेशन के बाद सिद्धार्थ ने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई राइटिंग पोएट्री आई सेड आई डोंट डू पोएट्री आई डू स्टोरी टेलिंग आई राइट फॉर न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स एंड सो मेनी लाइक अदर फोरम्स पोएट्री नहीं कुछ भी करा लो कविता नहीं हो सकती हमसे तो उन्होंने कहा नहीं ट्राई करो ना ये तो वैसे ही इनफॉर्मल क्लब है नेक्स्ट टाइम लेकर के आना तो आई आस्क्ड हिम आई स्टिल रिमेंबर आई आस्क्ड हिम हाउ डू यू बिगिन he said go back think about that one thing that you love the most okay write on it and come that was the poetry mere baba oh I think that yes